क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर। खबर फारबिसगंज से है, जहां शहर में दीपावली से पहले पटाखा कारोबारी पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे कारोबारियों ने फासबीरगंज विधायक विद्यासागर के घर पहुंचकर उनसे मदद की गुहार लगाई है। जहां भाजपा विधायक विद्यासागर ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पटाखा कारोबारियों पर हुई कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने डीएम और एसडीओ से फोन पर बात भी की है। इस दौरान विधायक ने कहा कि हिंदू संस्कृति में दीपावली का एक अलग ही महत्व है, ऐसे में अगर शहर के व्यापारी बच्चों के उत्सवी माहौल को लेकर छोटे मोटे पटाखे फुलझड़ी बेचते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के राज्य में व्यापारियों को प्रशासन परेशान करने का काम कर रहा है, इसका जवाब आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनता देगी। खबर सहरसा से है, जहां अपराधियों को पकड़ने गए पुलिस पर जदयू नेता ने हमला कर दिया। दरअसल पुलिस से मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जदयू नेता ओवेश कर्णी के घर छापेमारी करने गई थी टीम। इस दौरान जदयू नेता ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 दारोगा समेत 5 जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, जदयू नेता ने अपने घर के सामने स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकालकर महिला दारोगा रीता कुमारी पर भी छिड़क दिया और आग लगाने की कोशिश की गई। वही दिल दहला देने वाली ये घटना सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती की है। इसका वीडियो अब सामने आया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस ने जदयू नेता ओवेश कर्णी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। कल हमारे पुलिस ऑफिसर वाहन चेकिंग में बाइक से गश्ती के दौरान बस्ती गए हुए थे। वहां पे चेकिंग के दौरान कुछ लड़के से बहस हो गई। वहां पे बस्ती कुछ लोगों द्वारा उनके साथ हाथापाई मारपीट किया गया। इस संबंध में काउंट दर्ज कर जब अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु हमारे ऑफिसर बस्ती गए हुए थे तो वहाँ पे एक सूचना मिली थी कि चुन्ना के घर पे कुछ लोग वो अपराधी लोग हैं। तो पुलिस ऑफिसर गए जांच सूच करके, जैसे उनके घर से आ रहे थे तो ओवेश कर्णी चुन्ना के द्वारा हमारे पुलिस ऑफिसर पे बगल में पेट्रोल टैंकी से पेट्रोल लेके उस पर छिड़कते आग लगाने का भी प्रयास किया गया और उनके साथ हाथापाई भी किया गया। महिला ऑफिसर के साथ भी बदतमीजी किया गया। आगे क्या कार्रवाई करूँगी? प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लोक आस्था का महापर्व कहे जाने वाले छठ की तैयारी को लेकर श्रद्धालु अभी जुटे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन भी इस बार छठ के महापर्व को लेकर पहले से मुस्तैद नजर आया। दरअसल छठ से पहले तालाब और पोखर पर मनाए जाने वाले छठ घाट की साफ सफाई के लिए डीएम वैभव चौधरी समेत एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने शहर के कई छठ घाट का गहनता से निरीक्षण कर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा के लिए प्रत्येक छठ घाट पे फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ जो रास्ते हैं उन रास्तों पे भी लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहेगी और 112 की गाड़ियां भी लगातार एक्टिव रहेगी। और जो वैसे घाट जो काफ़ी खतरनाक हैं उन घाटों को प्रतिबंधित भी किया जाएगा और वहाँ पे चौकीदार या कोई भी कर्मी का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा जो वैसे घाटों पे छठ करने से रोकेंगे। और वैसे घाट जहाँ पे
पानी तो है लेकिन तो आगे जाने पे गहरा पानी है, वहाँ प्रॉपर बैरिकेड भी किया जाएगा और एक मार्क भी दिया जाएगा कि इसके बाद आगे ना जाए। निर्देश दिया जा रहा है? यह सहरसा जिला अंतर्गत छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है मेरे और SP साहब के द्वारा संयुक्त रूप से, और सभी ऑफिसर्स भी साथ में इससे संबंधित, जहाँ भी खतरनाक छठ घाट होंगे वहाँ पर बैरिकेडिंग, लाल कपड़ा लगाने का आवश्यकता अनुसार SDRF गोताखोर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ उनके जहाँ जहाँ पर भी सफाई की आवश्यकता उसके लिए भी सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग सफाई का कार्य करवाएँ, चूना ब्लीचिंग पाउडर और महिलाओं के चेंजिंग रूम का सिक्योरिटी के लिए लाइट की व्यवस्था, साथ ही कंट्रोल रूम की व्यवस्था, तो इन सब चीज़ों का संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। अब कटिहार से खबर है जहां रेल मंडल की तरफ से विजिलेंस अवेयरनेस कार्यक्रम में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता अभियान मनाया गया। वहीं इस आयोजन के समापन के मौके पर रेल मंडल के सीनियर DPO अतुल मिश्रा ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से शुरू कर 5 नवंबर तक ये खास कार्यक्रम रेल मंडल में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत भ्रष्टाचार पर निबंध और अच्छा भाषण देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। देखिए, अवेयरनेस वीक तो ये 30 नवंबर अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक कहा जाता है इसे। और ये भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल जो पहले गृह मंत्री थे, सो श्रद्धेय सरदार पटेल जी की जन्मतिथि 31 अक्टूबर पड़ती है और उसी सप्ताह में ये हर साल आयोजित किया जाता है, तो उसी कड़ी में इस वर्ष भी आयोजित किया गया, जिसका थीम है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें और भ्रष्टाचार से मुक्त रहें। क्योंकि ये माना जाता है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति अगर है तो निश्चित तौर पर आप देशभक्त हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है। तो उसी कड़ी में हम लोग ये भ्रष्टाचार निवारण के अभियान के तहत विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। खबर कटिहार से है जहां 20 सूत्रीय समिति को लेकर बवाल लगातार जारी है। दरअसल 20 सूत्रीय समिति में कांग्रेस नेता अल्तमश दीवान पर सांप्रदायिक दंगा जैसे कई संगीन आरोप होने के बावजूद उनको 20 सूत्रीय कमेटी में रखे जाने का विरोध कर रही ब्राह्मण महासभा और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने इस चयन में पूर्व कांग्रेस सांसद के दिग्गज नेता तारिक अनवर की भूमिका पर आरोप लगाते हुए मिर्चावई वाड़ी बजरंग बली मंदिर के सामने पूर्व कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का पुतला दहन किया। संगठन से जुड़े नेताओं ने धमकी देते हुए कहा कि अगर अल्तमस दीवान को कमेटी से नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और जोरदार किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले 20 सूत्री के सदस्यों के नाम का घोषणा हुआ है, जिसमें एक ऐसा नाम है जो सेकुलर, जो कांग्रेस कहती है हम सेकुलर पार्टी है, उस पर धब्बा है। उसने हिंदू धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास किया और दंगा भड़काने का प्रयास किया, लोगों को इकट्ठा करके पुलिस प्रशासन का हथियार छीनने का प्रयास किया। प्रमुख धाराओं से उसके नाम पर बरारी में 34/2007 के मामला दर्ज है और हम और ऐसे लोगों को इस सूत्री में सदस्य बनाया गया। क्या कांग्रेस में और लोग नहीं थे? अच्छे अच्छे छवि के लोग हैं जो समाज के बीच में कार्य करते हैं। पुतला दहन का सबसे बड़ा कारण है 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत कटिहार से जो कांग्रेस ने नाम भेजा अल्तमस दीवान जी का, वो दागी चेहरा है। 2007 में 7 फरवरी को सेनापुर में जो घटना घटित हुई थी उसमें उन्होंने बजरंग बली की मूर्ति को तोड़ा था। और भी बहुत अपराध उन पे है। सबसे पहले आज जो हम लोग बयान कर रहे हैं बजरंग बली मूर्ति के सामने, उसका कारण वही है कि बजरंग बली की प्रतिमा को तोड़ा गया था जो कि हमारे कुल देवता। अब मोतिहारी से खबर है जहां दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रमना मोहल्ले में महिलाएं और पुरुषों के बीच छिड़े महाभारत में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, इसके साथ ही मारपीट में शामिल लोगों की पहचान भी कर रही है। घर पे गए, वो लोग मेरे घर में ताला मार दिया गया था जिसके वजह से वो लोग आए और बहुत सारे लोग थे जिनकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बहुत हम लोग को मारा पीटा। उसके बाद जब मैं बचाने गई तो कुछ लोग अलग हो गए तो अर्जुन कुमार मुझे घर में ले जाके बेलंगन कर दिया था जिसके वजह से ये मेरा पूरा कपड़ा फटा हुआ है। उसके बाद वो सब कोशिश किया गलत करने का। क्यों कर रहा है? ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दाव पेज, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। नालंदा जिले में पुलिस ने सोसराय थाना क्षेत्र के लोहगान स्थित पीसीपी कॉलेज के पास गल्ला व्यवसायी अनिल कुमार की दुकान में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए सदर DSP नूरुल हक ने बताया कि बीती 30 अक्टूबर के दिन 5 अपराधियों ने हथियार के बल पर गल्ला व्यापारी अनिल कुमार की दुकान से 25,000 रुपए, 2 अंगूठी, सोने के चेन और 3 मोबाइल लूट लिए थे। वही इस घटना के बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए CCTV फुटेज के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे गए रुपए में से 11,200 रुपए और 2 मोबाइल के साथ 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। वही पुलिस 2 अन्य अपराधियों को पकड़ने में भी लगातार जुटी हुई है। पताही हवाई अड्डे को चालू कराने की मांग को लेकर पताही क्षेत्रीय विकास समिति के संयोजक और कमेटी सदस्यों ने पताही हवाई अड्डे से लेकर कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में पताही हवाई अड्डा चालू करने के वादे को पूरा करने की मांग की गई। वहीं क्षेत्रीय समिति के बैनर तले दर्जनों लोगों ने पताही से समारोह तक पैदल मार्च निकालकर अपनी मांगे रखी हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पताही से हवाई अड्डा चालू करने का जो वादा किया था उसे पूरा किया जाए। वही पूर्व जिला पार्षद कुमोद पासवान ने बताया कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 2019 में संयुक्त रूप से कहा था कि ये बहुत जल्दी पताही हवाई अड्डे से जहाज उड़ान भरेगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पताही मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास समिति के संगठन के द्वारा और हमारे पताही और इर्द गिर्द के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ आज पताही हवाई अड्डा से समरलाले मुजफ्फरपुर तक पदयात्रा किया जा रहा है। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संयुक्त तत्वावधान में यह आवाज़ दिया गया था और आश्वासन दिया गया था कि पताही हवाई अड्डा से बहुत जल्दी उड़ान उड़ेगा और चप्पल पहनने वाला भी जनता हवाई का आनंद उठाएगा, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सहरसा से खबर है जहां बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ये जुलूस जिला परिषदीय से निकलकर DB रोड होते हुए समहरालय गेट तक पहुंचा, जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की है। इस धरना प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष रूबी कुमारी समेत कई आंगनबाड़ी सेविका संगठन के सदस्य भी मौजूद रहे। साथ ही 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका DM को ज्ञापन भी सौंपती हुई नजर आई। सरकार से यही मांग है कि 5900 रुपया सरकार देती है, 5950 रुपया। क्या ये सरकार का नियम कानून है? जबकि हमारी सेविका, सरकार का कहना है कि हमारी सेविका 4 ही घंटा काम करती है। मैं तो मानती हूँ कि मैं 10 घंटा काम करती हूँ। जन्म से लेके मरण तक, जन्म से लेके मृत्यु तक पोलियो का काम हो, टीका काम हो, कोरोना जैसे हम लोग काम करता है, कोरोना जैसे कोई भी काम नहीं कर रहा था। सभी आदमी घर में थे, हम लोग बिना मास्क बिना ग्लव्स का काम किया। बोले आपका मांग जायज है और हम तो जिला से ये दे नहीं सकते हैं, तो हम मुख्यमंत्री को भेजने का काम तुरंत करते हैं। और कुछ हमारा जो
ये तो राज्य स्तरीय लेवल का था ये मांग पत्र। कुछ हमारे यहाँ की भी कुछ समस्याएं थी, जैसे डिजिटल काम करने के लिए जब हम लोग काम पर लौटते हैं तो उस अवस्था में मोबाइल अभी सभी सेविकाओं का, पूरे सहरसा जिला के सेविकाओं का मोबाइल खराब है। प्रदेश भर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बाढ़ जिले में पंडारक प्रखंड के 3 पंचायत का चयन जैविक कॉरिडोर खेती के लिए किया गया था, जिसमें परसमा, गोवा, शेखपुरा और लेमुआबाद पंचायतों के किसानों का चयन किया जाना था। लेकिन जिला कार्यालय और नियुक्त ICS इजाद अहमद और किसान सलाहकारों के मिलेभगत से इस योजना में बड़ी धांधली की गई है। सूत्रों के माने तो सरकारी कर्मियों ने फर्जी किसानों को योजनाओं का लाभ दे दिया है और हर एक किसान के खाते में पैसे डालकर 8,000 वसूल लिए गए। वही जब इस मामले पर जब कृषि पदाधिकारी राधिका रमण प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस योजनाओं से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन योजनाओं में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत को लेकर जिला कार्यालय को सूचित कर दिया गया है। पंचायत सदस्य के नाते मैं तो अवगत नहीं हूँ कि जैविक खेती के लिए किसान को चिन्हित किया गया है, जबकि 150 किसान को चिन्हित करना था और जैविक खेती से प्रोत्साहित करना था, लेकिन अभी तो पेपर पर हो रहा होगा लेकिन ऐसे तो जानकारी नहीं है, किसान से अवगत होते हैं। योजनाओं में तो लूटपाट तो हो रहा है ऐसा महसूस कर रहा है, तो जानकारी नहीं। किसान सलाहकार हुए और अन्य पदाधिकारी के सहयोग से। अब खबर फतुहा से है, जहां प्रखंड कार्यालय में कई जनप्रतिनिधियों और कई अधिकारियों की अनुपस्थिति में BDC की बैठक हंगामेदार रही। ब्लॉक प्रमुख श्रुति की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वही इस बैठक में मौजूद ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों ने नल जल योजना, शिक्षा की हालत और प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिलने जैसे तमाम मुद्दे उठाए। वही प्रखंड प्रमुख श्रुति श्री ने कहा कि जो प्रतिनिधि और अधिकारी बैठक में मौजूद नहीं रहे हैं उनकी सूची बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि जन प्रतिनिधियों की शिकायत पर अधिकारियों को सूचना देकर उनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर।